dear students and viewers assalam alaikum you are watching physics by ikrar youtube channel i am your host your teacher ikrar today we we'll discuss about kinetic potential energy and total energy of the electron which is revolving around the nucleus in a hydrogen atom first of all we we'll discuss about kinetic energy of electron इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे अराउंड द न्यूक्लियस तो जाहिर है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इन बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको कॉलम लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एफ़ ई इज इक्ल टू के ई स्केयर ओवर आर एन स्केयर कॉलम जिला एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर और क्यू की जगह पे हम ई e पुट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो फोर्स है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज नोन फोर्स, और जिसका रिलेशन हमारे पास है एम वी स्केर ओवर आर एन अब हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मन जाएगा एम वी एन स्केर ओवर आर एन इज इक्वल टू के ई स्केर ओवर आर एन स्केयर अब यहाँ पर आर एन से एक आर एन कैंसिल होगा तो हमारे पास मान जाएगा एम वी एन स्केयर इज इक्वल टू के ई स्केयर ओवर आर एन और कायनेटिक एनर्जी के लिए हम रिलेशन जानते हैं कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर और एन हम यूज करें फॉर एंथ ऑर्बिट जिसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर वन से इस काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एन की जगह पे वैल्यू आ जाएगी के ई स्केर ओवर आर एन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू ये हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ये हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व में डिस्कस कर चुके हैं और इसी को लिखा जा सकता है डब्ल्यू ए बी इजिकल टू क्यू डेल्टा वी और साथ यहाँ पे ये भी चीज़ याद रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो फोर्स अप्लाई की जा रही है चार्ज को मूव करने के लिए वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जाहिर है कि किया गया वर्क उसमें एनर्जी की फॉर्म स्टोर हो जाता है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइंस यूज़ करेंगे और इसी वर्क को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा वी क्यों जगह पे हमने ई यूज़ किया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और U इज इक्वल टू माइनस E और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसका रिलेशन हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व में डिस्कस कर चुके हैं के ई ओवर आर एन के ई ओवर आर एन वहाँ पर डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर तो यहाँ पे हम क्यू की जगह पे ई e यूज़ कर रहे हैं और आर की जगह पे आर एन यूज़ कर रहे हैं एन से मुराद होगा ऑर्बिट और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो u इज इक्वल टू माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ गया अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एनर्जी जिसको हम ई e एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ई एन इज इक्वल टू समटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी अब यहाँ पर कानेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ई एन इज इक्वल टू हाफ के ई स्केयर ओवर आर एन माइनस के ई स्केयर ओवर आर एन ये बन जाएगा हमारे पास ई एन इज इक्वल टू के ई स्केयर ओवर आर एन को हमने काम ले लिया बाकी रह जाएगा वन बाई टू माइनस वन और माइनस में वन कंप्लीट है और प्लस में हाफ है जब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस में हाफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस हाफ के ई स्केयर ओवर आर एन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर है और इसी इक्वेशन नंबर फोर में हम आर एन की वैल्यू पुट कर देते हैं ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्वांटाइज रेडिया ही इन नेल बोहर एटॉमिक मॉडल जब हम आर एन के वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फोर हमारे पास बन जाती है ई एन इज इक्वल टू माइनस के ई स्केयर ओवर टू इन टू आर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एन स्केयर एच स्केयर ओवर फोर पाई स्केयर के एम ई स्केयर ये हमारे पास आर एन की वैल्यू हमने पुट कर दी अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस के ई स्केयर ओवर टू मल्टीप्लाइड बाई फोर पाई स्केयर के एम ई स्केयर ओवर एन स्केयर एच स्केयर तो ये बन जाएगा हमारे पास ई एन इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्केयर टू पाई स्केयर के स्केयर एम ई पर फोर ओवर एन स्केयर एच स्केयर ये हमारे पास बन जाएगा ई एन इक्वल टू वन ओवर एन स्केयर इंटू माइनस टू पाई स्केयर के स्केयर एम ई पर फोर ओवर एच स्केयर और हम लोग जानते हैं कि ये तमाम वैल्यूज नोन हैं टू इज़ अ नंबर पाईज थ्री पॉइंट वन फोर स्केयर के इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सटेंट कॉलम कॉन्सटेंट फोर्स कॉन्सटेंट जिसकी वैल्यू नाइन पर नाइन एम इन मास मासट्रॉन नाइन पॉइंट वन क्रास पर माइनस थर्टी वन किलोग्राम और ई मिन चार्ज जन इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स पर माइनस नाइनटीन और एच मिन प्लस कॉन्सटेंट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री क्रास पर माइनस थर्टी फोर तो ये तमाम वैल्यूज नोन हैं और इसे हम कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा ई एन इक्वल टू माइनस वन ओवर एन स्केयर और इस कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं ई e नॉट, तो ये बन जाएगा ई एन इक्वल टू माइनस वन ओवर एन स्केयर इन टू ई और इसे लिखा जा सकता है ई एन इजिकल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर अगर हम फर्स्ट आर्बिट की बात करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास है ई वन इजिक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन की जगह पर वन आ जाएगा और वन का स्केयर वन और डिनिनेटर में वन लिखा नहीं जाता ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्योंकि ये तमाम वैल्यूज हमारे पास नॉन है उनको वैल्यू पुट करते हुए साथ ही यहाँ पर जाउल में हमने कैलकुलेट नहीं करना बल्कि तमाम वैल्यूज जाउल में आएंगी अगर हम इसी के ऊपर वन पॉइंट सिक्स पर माइनस नाइनटीन को डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा ई टू इज इक्वल टू माइनस ई ओवर फोर और अगर हम थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ई थ्री इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर नाइन और अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ई फोर इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर सिक्सटीन ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़